हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन फ्रॉम मैथ्स फितूर। तो बेटा आज हम करेंगे DOE GNCT ऑफ दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 9 क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट साइंस है, इसकी शेड्यूल डेट है 23rd अक्टूबर। तो बेटा 23rd अक्टूबर आज आपकी दो वर्कशीट्स आई हैं, एक तो साइंस की, दूसरी सोशल साइंस की। सोशल साइंस की वर्कशीट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, नहीं तो फिर ये आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। तो चलिए साइंस की वर्कशीट करते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर क्लास टीचर का नाम। टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड, जैसे कि हमने लास्ट वर्कशीट्स में भी पढ़ा है कंपोनेंट ऑफ फूड्स क्या होते हैं, विटामिन और प्रोटीन, रफेज, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये सब क्या है हमने पढ़ा था, ये कंपोनेंट पढ़े थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़। तो बेटा डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है, किसी चीज़ की कमी के कारण जो डिजीज़ होते हैं उसे कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। मतलब कोई कंपोनेंट हमारे फूड में नहीं होता और वो लगातार हम नहीं खाते हैं, नहीं लेते हैं, उसका इंटेक नहीं करते हैं, तो हमारे बॉडी में उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण डिजीज़ हो जाता है। अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। एक आदमी जो मतलब एक एनफ फूड मतलब जितना वो खा सकता है उतना खाना खाता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस खाने में एक कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होता। ठीक है, इफ़ द न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। अगर ये लंबे टाइम तक चलता है, मतलब मान लीजिए उसके खाना, वो खाना तो खा रहा है, पेट भर के खाना खा रहा है, लेकिन उसके खाने में एक न्यूट्रिएंट यानी कि अगर मैं कहूँ जैसे लाइट से विटामिन बी की कमी है उसके खाने में, ठीक है, विटामिन बी का खाना वो प्रॉपर नहीं ले रहा, उसके खाने में विटामिन बी नहीं है और वो लंबे टाइम तक विटामिन बी नहीं आ रहा उसके खाने में, तो उसे क्या हो जाएगा, उससे उसे डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगा। मतलब विटामिन बी की कमी से जो भी डिजीज़ होता है वो उसे हो जाएगा। इफ़ दिस कंटिन्यू, अच्छा हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आर बॉडी। तो एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स के कमी के कारण जो बीमारी होती है या डिसऑर्डर हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। तो ये डिजीज़ जो बहुत लंबे टाइम तक रहता है, मतलब इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारे बॉडी में काफ़ी लंबे टाइम तक रहे, मतलब उसका हम इनटेक ना करें लंबे टाइम तक, तो हमारी बॉडी में जो डिजीज़ होता है उसे कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया। अगर एक आदमी उसके खाने में प्रॉपर प्रोटीन नहीं है तो वो क्या होगा, लंबे टाइम तक मान लीजिए उसके खाने में प्रोटीन की मात्रा नहीं है तो क्या होगा, उसकी वृद्धि मतलब उसका विकास रुक जाएगा, ग्रोथ उसकी रुक जाएगी, उसके फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी और हेयर डिसकलरेशन हो जाएगी, मतलब उसके हेयर का कलर उड़ जाएगा, स्किन डिजीज, उसे स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, डायरिया हो जाएगा। If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. अगर जैसे suppose अगर किसी की डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं लेता है, ठीक है, डेफिशिएंसी होती है, तो उसकी ग्रोथ जो है कम्प्लीटली रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही शी मे नो इवन बी एबल टू मूव। और वो इतना पतला और कमज़ोर हो जाएगा कि वो वहाँ से मतलब हिल भी नहीं सकेगा, मतलब चल भी नहीं सकेगा, इतना कमज़ोर हो जाएगा अगर उसकी डाइट में लंबे टाइम तक कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन नहीं होगा तो। सो ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो इसीलिए डेफिशिएंसी डिजीज़ को हम कैसे बच सकते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ से, कि हम अपने डाइट में एक बैलेंस डाइट खाएं, मतलब ऐसी डाइट लें जिसमें प्रोटीन, विटामिन और सारे मिनरल्स हों, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं कि कई बार हो जाता है कि किसी चीज़ की मतलब सपोज़ एक विटामिन बी है या विटामिन सी है हमारी एक बार की डाइट में नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार आगे तो होंगे ना, ठीक है, तो वो लंबे टाइम तक नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। आगे अब हमारे पास है डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। अब जो विटामिन और मिनरल की कमी से, ठीक है, कुछ डिजीजेज हो जाते हैं, वो क्या क्या हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, हमारे पास एक लिस्ट है। सो पहला है विटामिन, यहाँ सारे विटामिन हैं, ये डिजीजेज हैं जो उनकी कमी से होता है और ये सिम्टम्स हैं उनके लक्षण,
जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है, लॉस ऑफ विजन, मतलब आंखों में देखने में कमी, मतलब रोशनी, मतलब जो हमारी आई साइट है वो वीक हो जाएंगी, पुअर विजन, ठीक है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात में हमें दिखना बंद हो जाएगा, समटाइम्स कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन, मतलब बिल्कुल ही आंखों की रोशनी हमारी चली जाएगी अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में। तो विटामिन बी वन, विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, इसका इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, बहुत हमारी जो मसल्स हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और हमारी जो एनर्जी है वो बहुत थोड़ी रह जाएगी काम करने की। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से बेटा क्या होता है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और इसकी पहचान क्या है, ब्लीडिंग गम्स, हमारे गम्स में से ब्लड आना शुरू हो जाता है, ठीक है, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जो हमारे जख्म हैं वो काफ़ी लंबे टाइम बाद ठीक होते हैं, मतलब टाइम भर लगता है जख्मों को ठीक, घाव जो होते हैं, ठीक है, उन्हें ठीक होने में टाइम लगता है। फिर है विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, तो इसमें क्या होता है, जो हड्डियाँ होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, हड्डियाँ सॉफ्ट होकर बेंट होनी शुरू हो जाती है, तो इसे कहते हैं रिकेट्स। कैल्शियम, कैल्शियम तो आप सब जानते ही हैं, बोन्स एंड टूथ दिखे, ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, दांत गिरने लग जाते हैं, तो इसके सिम्टम्स क्या है, वीक बोन्स, कमज़ोर हड्डियाँ, टूथ डिके, दांत गिरने लग जाते हैं। आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर, गॉइटर होता है गले का रोग, ठीक है बेटा, यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है। तो ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वोलन, तो हमारे जो हमारा जो नेक है, हमारा जो गले है, उसके अंदर ग्लैंड है, उसके अंदर सूजन आनी शुरू हो जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और बच्चों में मेंटल, मतलब मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है। फिर है आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाती है, और इसका पहचान क्या है, लक्षण क्या है, वीकनेस, तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। तो ये हैं इसके विटामिन्स और जितने भी ये हैं हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये इसके उसकी कमी से होने वाली बीमारियाँ और ये उसके लक्षण। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर है ना, आंसर दीज क्वेश्चन, फर्स्ट है नेम द फॉलोइंग, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, एक अच्छी आईसाइट के लिए हमें कौन सा विटामिन लेना चाहिए, विटामिन ए, यहाँ हमने पढ़ा था विटामिन ए से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन होता है, और मतलब तो हमारे को अच्छी आईसाइट के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए, विटामिन ए। अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आर बोन हेल्दी, हमें अपनी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए कौन सा मिनरल लेना चाहिए, दैट इज़ कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम से क्या होता है, बोन्स मजबूत रहती हैं। फिर है विटामिन रिक्वायर्ड फॉर हीलिंग द वूंड्स, अब हमारे जख्मों को भरने के लिए, मतलब जो अच्छे से जल्दी से भर जाएं, तो उसके लिए हमें कौन सा विटामिन चाहिए होता है, विटामिन सी, ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ा था ना, अगर विटामिन सी की हमारी कमी हो जाएगी तो हमारे जो घाव हैं उन्हें भरने में बहुत टाइम लगता है, ठीक। फिर फिलिंदा ब्लैंक्स हैं, फिलिंदा ब्लैंक्स में हैं डैश इज कॉस्ट ऑफ कॉस्ड बाय डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, कौन सा डिजीज होता है, रिकेट्स, तो हमने यहाँ पे रिकेट्स लिख लिया। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश, सॉरी डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज ऑफ डिजीज नोन एज बेरी बेरी, किसकी कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है, तो विटामिन बी वन, यहाँ पे आएगा बेटा विटामिन बी वन, ठीक है, विटामिन बी वन की कमी के कारण बेरी बेरी होता है, यहाँ पे लिखा है विटामिन बी वन, तो आप यहाँ पे बी वन लगा दीजिएगा, मैंने विटामिन बी लिखा है, यहाँ पे विटामिन बी वन लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नोन एज डैश, विटामिन सी की कमी से क्या होता है बेटा, स्कर्वी, तो हमने यहाँ पे स्कर्वी लिख दिया। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आर फूड, रात में ना दिखना, ये किसकी कमी के कारण होता है, ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं, यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स विद तूर को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़, टिल देन बाय।